आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं डिलीट पजल वन पार्ट। ये नाम भाई वैसे देखा जाना कॉम्प्लेक्स तो है बोलने में, इससे बड़े इस गेम का नाम होना चाहिए था इरेज वन पार्ट, क्योंकि इसमें भैया डिलीट नहीं बल्कि इरेज करना होता है चीजों को। ओके गाइस, तो यहां पर जो जिन का चिराग होता है ना भाई, वो दे रखा है। एंड मुझे लगता है अगर मैं इसको साफ करूंगा ना तो पक्का इसमें से जिन निकलने वाला है। बट ठीक है, ये देखो एकदम भाई फुल चमक चुका है यहाँ पर। ओके एंड ओ भाई सच्ची में निकल के, बट इसके मूछे भाई, जिनकी मूछे होती है क्या? बट एनीवेज ये है नेक्स्ट लेवल। रिमूव द ओडोर, ओडोर शायद से बदबू होती है और यहाँ पर सांप को बदबू लग रही है भाई। मुझे लग रहा है सांप को इरेज करना है क्या, बट नहीं, शायद से हमें सॉक्स को इरेज करना है एंड सांप को अच्छा लगेगा। अबे क्या भाई पागल है क्या सांप? मुझे लगा था भाई सांप को लात मारनी होगी अपने को। बट एनीवेज फाइंड चेरीज, ये एक आइसक्रीम है एंड इसमें हमें चेरी फाइंड करनी है। वैसे चेरी होगी तो कहीं ऊपर होगी, बट एक सेकंड, अगर मैं इसको पूरा इरेज, भाई बताओ ये क्या चेहरी से भरा हुआ कप और यहाँ पर मधुमक्खियाँ क्या कर रही है? वेयर इज द पांडा? तो यहाँ पर तीन भालू दे रखे हैं, बट इनमें से कोई एक है पांडा। और जैसा कि भाई दिख गया यहाँ पर इसके पाओ के नीचे ना, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, जो भी बोलते हैं वो, ये कुछ तो अलग है, मुझे लग रहा है यही पांडा है। लेट्स गो। और ओए ये भाई ये व्हाइट वाला भालू, अबे इनको कौन रंग के जा रहा है यहाँ पर? और इसको फोन किसने दे रखा है? बट एनीवेज प्रिंट द पेज, हमें यहाँ पर एक पेज को प्रिंट करना है। और ओ एक सेकंड, अगर मैं ये, अबे ये प्रिंटर भाई, ये टाइपराइटर था भाई, इसको लैपटॉप बना दिया नूबड़े ने। अगला लेवल, वेयर इज हिज हेड, हमें पता करना है कि इस ऑस्ट्रिच का हेड कहाँ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कैक्टस में कुछ तो हरकत हो रही है क्योंकि वो हिल रहा है, बट ये सारी ही चीजें हिल रही है इसके अंदर। बट मुझे फील, इस नूबड़े ने टोपी कैसे पहन रखी है भाई, बट इसकी गर्दन सच में बहुत ही ज्यादा लंबी है। चेंज हिज स्टाइल, इस नूबड़े के हमें बाल को चेंज करना है। एंड अबे छी भाई, ये सच्ची में भाई ब्राउनिश पोटी लग रही है मेरे को। Who is the unexpected guest? अब हमें पता करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेहमान है जो कि बिन बुलाए आ गया। और यहाँ पर छोटा सा, ओ भाई एक सेकंड, यहाँ लड़का लड़की है, ये लड़की है क्योंकि इसके पांव छुटकू से भी है। एंड ओके ओके, और यहाँ पर ये लड़का है, बट यहाँ जैसा कि देख सकते हो कुछ तो भाई यहाँ है। एक सेकंड, ओ भाई ये नंगे सो रहे, पागल गएंगे। बट ठीक है, गर्मी लग रही होगी। ओके भाई ये बिल्ली है, ये बिल्ली तो नहीं है? नहीं नहीं, अबे यहाँ दो पहाड़ और हैं। ओ चूहा, वेट 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 वेट, ये चूहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। अबे रुको यार, मेरे कुछ ऐसे इन नूबड़ों को पूरा ही इरेज करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स गो। हो गया, कौन है भाई यहाँ? ये चूहा देख रहा है भाई हमारी तरफ, यही है नूबड़ा। और मुझे ये समझ नहीं आया बिल्ली को पता कैसे चला भाई चूहे के बारे में। अब ये है हमारा नेक्स्ट लेवल, द वे ही लुक्स। ये लड़की नहीं हो सकती क्योंकि इसका ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो भाई, पूरा नूबड़ा लड़का लड़की बन के घूम रहा है। लेवल 10, हाउ मेनी टिकट्स डू यू नीड? ओके, तो यहाँ पर भाई मेरे को देखकर ही पता चल चुका है ये एक बच्चा सा है। एंड बच्चों की हाइट इतनी लंबी नहीं होती भाई एकदम से, मुझे लग रहा है इसमें ना दो दो बंदे होंगे। यस भाई ये देखो, मैं पुलिस वाले को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं नूबड़े। ओ तो यहाँ पर हमें इस सील को बचाना है इस भालू से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें इस बर्फ को तोड़ना होगा यहाँ पर कुछ तो। यस भाई मुझे लग ही रहा था इसको अलग कर देंगे ना तो ये बच जाएगी हमारी जो सील है। लेवल 12, व्हाट्स इनसाइड द मैजिक बॉल? ये एक मैजिक बॉल है, इसके अंदर क्या है? अबे स्नो गोल है इसमें, ये कोई मैजिक बॉल नहीं थी भाई, वो कोई खिलौना देके चला गया इसको, ये समझ रही मैजिक बॉल है। बी केयरफुल, सामने की तरफ एक गड्ढा है एंड भाई पुलिस वाले जा रहे हैं तो चुपचाप से गड्ढा। एक सेकंड इसमें, अबे ओ एक, अबे भाई यहाँ पर जो शीशा है गाड़ी का वो पूरा धुंधला सा हो रखा है, हमें इसको सही करना है। और आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे, पागल गएगा। अब हमें पता करना है कि कुएं के अंदर कौन है, तो शायद से हमें इसको घुमाना पड़ेगा लीवर को। नहीं रस्सी काटनी क्या? एक सेकंड, अबे भाई कुआ ये है कोई कंगारू? अबे कंगारू कैसे घुस गया कुएं में? पोटी मत कर दो बेटा, वही बंदे पानी पीने वाले उसका। ओ ओ, वेयर इज द लिटिल येलो डक? अब हमें पता करना है कि इसमें लिटिल येलो डक कहाँ पर है। बट यहाँ पर तो भाई ये क्या सीन चल रहा है? एनीवेज ओ ये रही, ये रही, ये रही। अबे ये हुआ क्या? अभी तो वो खड़ी हुई थी, बट जैसा कि देखती तो भाई खिड़की के आर उस पार एक गिरगिट है एंड उसने शायद से कोई कीड़ा पकड़ रखा है भाई, क्या ही खतरनाक सीन कैप्चर हुआ है। बट एनीवेज अगला लेवल देखते हैं, व्हाट्स इज द वुड कटर हाइडिंग? तो ये बंदा ना कुछ तो हाइड कर रहा है भाई, बिल्ली साफ से पता चल रहा है। ओ नहीं ये कपड़े हाइड कर रहे हैं अपने, भाई ये कैसे कपड़े पहन रखे इसने? एक सेकंड भाई, सबसे पहले भाई इसके पूरे कपड़े इरेज करते हैं क्योंकि जो इसके कपड़े है ना उसमें फ्रॉक्स है। और यहाँ पर एक डांसर है भाई, ये बड़ा खतरनाक डांस कर रहा है। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि इन पत्थरों के पीछे क्या है। ओ भाई एक सुरंग है, माइनिंग है यहाँ पर। ओके, और ये भाई चूहा, ये चूहा नहीं होता, ये कुछ ना अलग सा जानवर होता है जो कि पता नहीं क्या ढूंढता रहता है। इट्स टू हॉट, हाउ टू कूल डाउन? यहाँ पर भाई कुत्ते की जीभ भी देख रहे हो भाई, उससे ज्यादा लटक रही है, तो शायद से भाई ठीक है समझ गया समझ गया। मुझे लगा था कि सूरज को हटाना है, बट नहीं हमें गाड़ी की छत गायब करनी थी जिससे कि भाई ठंडक का फील लेंगे दोनों। अब यहाँ पर हमें इस पिग को बचाना है इस भेड़िए से, तो करना क्या है? एक सेकंड, ओ ओ ये कोई भेड़िया नहीं है भाई, ये दादी माँ डरा रही है अपने पालतू पिग को। एनीवेज यहाँ भाई, ओके फाइंड आउट द वेयरवुल्फ। तो यहाँ पर ना कोई भेड़िया है इन दोनों में से, एंड मैं गैस कर सकता हूँ कि ये लड़की भेड़िया होगी, पता नहीं भाई क्यों बट वाइब आ रही है। बट एनीवेज सबसे पहले शायद से हमें पूरा चांद करना होगा जिससे कि भेड़िया आएगा। ओ भाई साहब
वैसे सुंदर तो लग रहा है भाई बढ़िया। अभी बच्चा क्यों रो रहा है इसमें भाई, मुझे समझ आ रहा है इसका खिलौना तोड़ दिया भाई सेंटा क्लॉज ने। यार सेंटा क्लॉज नया खिलौना ला कर दो इसको। अभी नहीं ये भी नहीं है शायद, हम इसका रुको टायर गायब करना है जिससे कि टायर एकदम जुड़ जाएगा। ये भी नहीं है, एक सेकंड। अबे भाई नकली दाढ़ी ले रखी है भाई सेंटा ने, ये इसलिए डर गया वो एकदम से। लेवल 22 यहाँ पर एक बच्चा आराम से सो रहा है अपने गुड्डे के साथ एक बादल के ऊपर। क्या हमें बादल गायब करने हैं जिससे कि गिर जाएगा एंड ये रोने लग जाएगा। बट ओ भाई उस गुड्डे के अंदर एक चूहा, मतलब नीचे चूहा मरा हुआ था भाई, उसको ये पेट समझ के मजे ले रहा है। बट ओके एनीवेज ये है नेक्स्ट लेवल, लेट हर स्लीप वेल। हमें इस लड़की को भाई मदद कर रहा है सोने में, बट ये नूबड़ा देख रहा है इसके ऊपर टांग रखे सो गया। हम इसकी टांग गायब कर देते हैं। ओ ये करना था भाई, ये क्या? ओ भाई ये बंदा जीत के आया, इसको घंटी पकड़ा दी। मुझे लगता है कि घंटी के हमें ना इरेज कर रहे हैं जिससे कि मेडल आएगा। यस भाई ये देखो अब बंदा खुश लग रहा है ना भाई, पता नहीं क्या घंटी क्यों पकड़ा दी इसको। अरे भैया ये साधु जी तो कुछ ज्यादा मस्त लग रहे हैं, इनको देख लो भाई 3-6 बिंदु, रुपए 9 बिंदु है, वो 6 भी नहीं है। बट एनीवेज यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं अपनी मस्त सी, व्हाट्स ही सिटिंग ऑन। अच्छा मैं ये पता करना है कि आखिर किस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं। वो किलो के ऊपर बैठे भाई, वो किले भी ऊपर नीचे हो रही है। हाउ टू स्केयर दिस कैट, अब हमें इस बिल्ली को डराना है। उबे भाई डब्बे के पीछे कोई भूत जैसा, अबे बच्ची यार क्या पागलबंदी कर रही है। बट एनीवेज इस लड़की ने डरा दिया भाई बिल्ली को। फाइंड द फ्रिस्बी, अच्छा फ्रिस्बी ना एक वो होते खिलौना सा जिसको फेंकते हैं ना तो वो हवा में उड़ता रहता है, एंड शायद से वो स्पेसशिप जो है ना यही है फ्रिस्बी। ये भाई ये बड़ा मस्त खिलौना लगता है यार। वेयर इज द मस्टैंग, ओ भाई अब हमें ना कार फाइंड करनी है, बंदे के पीछे कार खड़ी हुई है, बट कुछ तो लॉजिक होगा भाई। ओ वेट वेट वेट, ये गाजर को हटाओ, ये देखो भाई मस्टैंग का लोगो है, यही होता है क्या? हाँ ऐसा ही घोड़ा होता है, बट उसमें जो घोड़ा होता है ना वो भाग रहा होता है ना कि कूद रहा है। अब अपने को पता करना है कि इस कुत्ते घर में क्या चीज है। भाई कुत्ता ही होगा साफ सीधी बात है, बट ये भाई भालू आराम कर रहा है भाई, भालू का बच्चा है वो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी मम्मी भी आसपास होगी पक्का। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि आखिर ये बंदा किस चीज को छुपा रहा है, और इसके पास ना एक ही चीज है। ओ एक सेकेंड, अबे भाई ये कोई रोज नहीं है, इसने कौन सा जानवर पकड़ लिया ये कैसे जीव निकाल रहे बेचारे ने यार। यहाँ पर हमें पता करना है कि इस पेड़ में क्या छुपा हुआ है, तो सबसे पहले हमेशा ऐसे रे। ओ भाई ये क्या, गिलहरी। अबे यार इस फ्रूट को क्या कहते हैं गाइस, अगर आपको पता है तो प्लीज बताना भाई, ये मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा भाई कौन सा फ्रूट होता है। ये फ्रूट होता भी है भाई, ये कोई सी सीड होती है शायद से जो इसके हाथ में ना गिलहरी के। अबे भाई इतने सारे भेड़ है इसमें, मुझे लग रहा है कोई ना कुत्ता होगा इनमें पक्का, इरेज करके देखते हैं। 100 भेड़िया भेड़िया भाई, ये करके रहे उड़े यहाँ पर ही समझ गया मेरे को। लेवल 35 फाइंड द माउस, अब हमें इसके अंदर माउस पता करना है कि कहाँ पर छुपा हुआ है। अबे तो स्नेल है, एक सेकंड। ओ भाई ये मजे से चीज खा कर लेटा हुआ है भाई। एनीवेज गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी वीडियो को जोर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।